जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महा अवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए, पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव ससंग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी 400 ग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, चार महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से एक माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। श्रीमते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। ओम नमो अरहते भगवत श्रीमती अतिशयकारी शिवपुरुषी आदिनाथ पदम प्रभु चंद प्रभु वासपूज्य शांतिनाथ वृषभदे पुष्पदंत मुनि सुरत नेमिनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान सर्वतीर्थंकर जिनेन्द्रायन रत्नताय पदम प्रभावंडमंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्रायन अनंत संसार चक्र पुण्यायन धर्म चक्राधीश्वरायन नव केवल लब्धि समृत धुंधु शंकरायन गौरव सर्वनाशनायन रणेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय त्रैलोक शंकरायन घात यघाधिक्रम शंकरायन त्रैलोक्य महिव्याप्ताय दिव्य तेज मूर्ति नम त्रैलोक्यताय सर्वज्ञाय सिंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुकुरुवीर शशितय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुच स्मृविनाशनाय अजराय अमराय अभवाय अद्यम संगस्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंसागर जी कनक नंद जी मुनिमल गुप्त गण्यारिका शमाशवती गण्यारिका सतमती आरिका सुखदमती माता जी शुल्लक धर्म गुप्त शांति कुशुल धन्य श्री तीर्थी माता जी नाम से चतुर संगस्य आशा पूजा आदि सर्वसंगस्य प्रमुत्तस्यन अद्य वार्षिक विधानकर्ता श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि सुमित ईशिका निकुंज सुमित परिवारस्यन हरिशांति परिवारस्यन श्री महा श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जैन बारवांकी परिवार श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि सुमित ईशिका निकुंज परिवार श्रीमती ललिता लालचंद जैन रविंद्र सुरेंद्र नीलेश पंकज पीड़कर परिवार देवराज परिवारस्यन श्री नितिन वैशाली आनंद संतोन परिवार नागपुर श्री शांति लाल जी कंदमकरवाली फट्टन संजीव शोधा प्राचीश्वती अवनी जय पुर मुंबई महावीर कुसंत मयंक डॉक्टर अवनी साक्षी प्रज्ञा परिवार बारावंकी श्री प्रमोद सौजी विनय पूजा सागर नमत पायल सौजीवरंग श्री मनोज रजनी जैन सजीत वर्धमान कुंज परिवार बारावंकी वर्धमान निहम मुजेशन जैन परिवार बारावंकी नीलेश दीपाली दर्श खुशी कासिया परिवार प्रवीण प्रशांत सारिका सुकेश ऋतु श्री प्रोज जैन परिवार जयवाड़ा चिरंजीव दर्श कुमारी नव्या प्रिय भूषण वंदना पाटी परिवार संभाजनगर सो सपना अतुल अनिता रवि पाटी परिवार संभाजनगर सो नमिता महेश प्रमिता माणिक चंदरपा हार्दिक कटारी परिवार रामगंज मंडीकोटा सो अपूर्व नीरज पुनी समेत भक्ति सोच परिवार संभाजनगर डॉक्टर राजेंद्र डॉक्टर अशोक परिवार सर्व सागर से परिवार से पुसी जी मात्र सस्नाकम मम सर्पापम छिंचिंदी फिरिंदी अपायम आयशम सर्व सर्गम
माइक ले लो भाई। सर्व विघ्नम सर्व भयम जरम जरमण च चिंदे विंदे हस्तु कामम हस्तु रुद्ध कामम क्रोध मान माय लोभम च चिंदे विंदे शोक भय जुगल सम च चिंदे विंदे पाप रोग धरणम च चिंदे विंदे अग्नि हित्य लाज भयम च चिंदे विंदे पुण्य पुष्प विदम च चिंदे विंदे मिथ्या तुराग देश मस्त्रम च चिंदे विंदे सर्व विघ्नम चिंदे विंदे सर्व चोर दुष्ट मुराज भयम च चिंदे विंदे सर्व दोष रोग शोक विवादिम च सर्वकार सत्नादम च चिंदे विंदे सर्व सुख दयाम च चिंदे विंदे सर्व आशा ईशुतम च चिंदे विंदे सर्व तृष्णा मूर्छा आर्तरोध्यानम च चिंदे विंदे विंदे सर्व परमंत्रम चिंदे विंदे सर्वात् प्रगतम चिंदे विंदे सर्वादि अधिपदेश चिंदे विंदे त्रापल्यकलम च चिंदे विंदे सर्व सुरोम च चिंदे विंदे गुरु कुष्ठरोगम च चिंदे विंदे ब्रह्मकारम कारम च चिंदे विंदे सर्व संकट विकल जालम च चिंदे विंदे त्रिजस कुमारीम च प्रस्थानि मारीम च रक्ष गुरुमारीम बलपत्र मारीम पुष्पलता मारीम च राष्ट्र दृष्टि ग्रह मारीम च त्रिरंगम च सर्वेदनियम सर्वमोहनियम सर्वकर्माष्टकम सर्वदुर्भगत्वम ओम सुदर्शन निनादम चक्र विक्रम तेज बल वीर सूर्यधार गंभीर शांतिम च गुरु अर्जुन दशरथ गणमावना सर्वगुण जन प्रोदा विशेष कृपा हे प्रीत प्राप्त माध्यस्थ गुरु माय धर्म गुरु सर्व सर्वगुणाष्ट गुरु सर्व सर्वगुणाष्ट गुरु सदा सर्वगुणाष्ट गुरु विनाभ गुरु आत्म लब्धे गुरु सुखीति गुरु गीता विज्ञानतम गुरु सम धर्म शुक्ल ध्यान गुरु पांडित्य रत्न तम च गुरु अष्टांग समदर्शन ज्ञानम च गुरु चतुर्दशी चारित्राम गुरु समयकादि पंचम लाभम च गुरु आदि पंचता लाभम च गुरु सबर्जनानंद्र गुरु भव्यानंद्र गुरु गोकुलानंद्र गुरु सर्व ग्राम नगर की जय संपूर्ण शार शशंक मरीचि जाल संदेरी वात्मय स्वामी सुप्रवाह ओम ह्रीं शिव क्लीं हंसं तं पं हं हंसं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा निरयतामतीव जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान आदिनाथ नहीं भीग पा रहे उधर से। आदिनाथ भगवान की जय। हाँ यही वास पूज्य भगवान की जय। सब उल्टा फुल्टा चलता पुरा। जय हो जय हो जय हो। बहुत बढ़िया आनंद आ गया। बहुत सुंदर ललाट तट देशे निवेशित हस्ते श्रुता सर्वरा सर मर्त्य नाथ पीलित में सूर्य तारा सत्य पुनात दिन में भगते में युष्मा ओम रीम शिव क्लीं एवं रमामा हम सम तंपा मामा हम सम सम तंपा जम जम शिव शिव राम राम रीम रीम रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते श्रीमते शिवरसाभिषेकम् करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उत्कृष्ट वर्णन हेम रसाभिराम देह प्रभाव लय संगम लुप्त दीप्ति धाराम ग्रत शिशु गंध गुणानुमेया वंदे रताम सुरभि संसपन उपयुक्ता ओम रीम शिव क्लीं हेम रमामा हम सम तंपम मामा मामा हम सम सम तं तं बम बम जम जम शिव शिव राम राम रीम रीम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते रताभिषेकम् करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो शांतिनाथ भगवान स्नापितस्य ग्रत दुग्ध दधिक्षुवाहै सर्वाभिरोषद्भिरिरतुज्वलाभिम् उद्वर्तितस्य विधांशिकमीला काले कुंकुम रसोत्कटवाणी पूरे ओम ह्रीं शिं क्लीं हं सं तं पं हं हं सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इष्टिर्मनोरश्च तेरि भव्य पुंसाम् पूर्णे सुवर्णे कृशेण्डि क्लीर्वसानि
संसार सागर विलंगन हेतु से तो माप्लवये त्रिभुवनैः पतिर्निन्द्रम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं एम नमः मम हं सं तं पं मम मम हं सं सं जं जं श्रीं श्रीं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो शांति मेष चंदनेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ॐ श्रीं क्लीं हं सं तं पं हं सं सं जं जं श्रीं श्रीं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते चन्द्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। धर्मती क्षेत्र लाल लाल चंदन की धारा लाल लाल अभिषेक करो तो हो जाओ मालामाल अभिषेक करो तो हो जाओ मालामाल। काया सुगंधि सीता स्वयमी वयस्य तस्य प्रकाश प्रतिमो परिरत्न गंधे धाराम सुहेम कलशे कुरते ही भव्य संसार चक्रम पहाय पवेश सिद्ध हम रीम शिम क्लीम हे मन मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम जम जम शिम शिम राम राम देम देम द्रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो शांतिनाथ भगवान। इंद्र कराए रहे पूजा बाबा के द्वारे झूम झूम के इंद्र कराए रहे पूजा बाबा के द्वारे झूम झूम के नागेंद्र चक्रधर साधु सुरा सुरेंद्र ही कल्याण पंचे से तो जिन भास करो यह तस्याभिषेक अमलेन सुकुमकुमेन द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते कुमकुमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय 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 हम बोले श्री शांति जिनंदा जय 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 हम बोले चौबीस जिनंदा हे माभ दिव्य ललित जिनीश्वरस्य धारम करोति मनुजस्तु हरिद्रयाय ऐश्वर्य कांति विमलते सुशीलम निर्वाण सौख्य मलम तत्क्रमेण हम रीम शिम क्लीम हे मन मम हम सं तं पं मम हम सं सं जं जं शिम शिम राम राम देम देम द्रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। देवा हो देवा शांतिनाथ देवा देवा हो देवा आदिनाथ देवा तुमसे बढ़ कर कौन देवा तुमसे बढ़ कर कौन आनीय दिव्याष्ट सुद्रव्य सृष्टान कर्माष्टक च हेतु करोमि मिश्रम भक्ति सहित सुगंधे अष्ट कर्म विजय राज सूर्य ओम रीम शिव क्लीम हे मन मम हम सं तं पं मम हम सं सं जं 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 शिव शिव राम राम देम देम द्रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। का जाति सुरेन्द्र वृंदे वधूक वृंदेरप चंपकादि पुष्पेरनेकेरलिभिर्हुताग्रे भगवान की जय। धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। जय आरती उतारो रे चौबीसों जिन भरे की मैं तो आरती उतारो रे चौबीसों जिन भर की। जय जय चौबीसों नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो। दध्योज्वलाक्षत मनोहरे पुष्प दीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं मतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकम् तव विभोरवतारयामि। ओ सब मिल अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे चौबीसों जिन भर की। जय जय चौबीसों नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो।
जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो, जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। इति श्री मंगलारती अवतरण करोमि नमः स्वाहा। द्रव्यैरण्यल्पघनसार चतुस्समादे प्रामोदवासी समस्त दिगंतरालय न पैसा दिन भंगवानाम त्रैलोक्य पावन महासपनम करोमि। ओम रीम शिव क्लीम हेम नमः हम सम तम पम हम हम सम सम तम पम जम जम शिम शिम राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सुपक्वय कनकच्छाय सामोदीर मुदकारी वि सैकार रसिष्णान कुर्मा शर्मेक सहत्मन। ओम रीम शिम क्लीम हेम नमः हम सम तम पम हम हम सम सम तम पम पम जम जम शिम शिम राम राम नेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते श्रीमते आम्रसाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। और माता का उपदेश सुनकर उपयुक्त प्रकार अनुमति प्राप्त कर उन्हें नमस्कार कर वह नमः सिद्धेव्या कहते हुए श्रीपाल घर से निकल गए। प्रयाण बेला में यदि आप मंगल नमः सिद्धेव्या कहते हैं, मंगल मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, मंगल वाक्य पढ़ते हैं, तो इनको पढ़ने से कार्य की निर्विघ्न सिद्धि होती है, संकट नहीं आते हैं, और यदि आते भी हैं तो संकट आपत्तियां दूर हो जाती हैं, सर्व कार्य सानंद सिद्ध होते हैं। अतः नीति कुशल श्रीपाल महाराज अपने इष्ट सिद्ध प्रविष्टि का नाम उच्चारण कर उन्हें नमस्कार कर घर से निकले। अपनी प्रिय पत्नी और माता से विदा होकर शुभ दिन, इसमें आया है श्रीपाल स्तदा मार्गे संव्रजन पुण्य संबलहा नाना पुराकर ग्रामान नाना दुर्गादि कांक्रमात। तो शुभ दिन में, शुभ लग्न में और शुभ मुहूर्त में श्रीपाल राजा नमः सिद्धेव्या कह करके चल पड़े। कबीर अकेला ही आत्मविश्वास से चला, उसका आधार उसी का पुण्य था। निज पुण्य का पाथे लेकर निर्भट निर्भय और सुभट वह श्रीपाल अकेले चल पड़े, परंतु निरंतर पंच परमेष्टि का ध्यान, दूसरी बातें नहीं है, जाते पंच परमेष्टि का ध्यान उनका चिंतन करते हुए नमः सिद्धेभ्य का जाप करते हुए चल रहे थे। नमोकार कभी नहीं छोड़ा, छोड़ता भी कैसे, क्यों? क्योंकि भव्य जीवों को संसार से पार लगाने वाला यही एकमात्र महामंत्र है। महाराज कोटिभट्ट श्रीपाल ने इसी महामंत्र का सहारा लेकर मार्ग में जाते हुए अनेकों नगरों, पर्वतों, ग्रामों, वनों, किले, खाइयों, अटवियों आदि को निर्भय पार कर लिया। कुछ ही दिनों में वह शूरवीर शिरोमणि वीरागरणी भ्रुकुच्छ नाम के नगर में पहुंच गए। भ्रुकुच्छ गुजरात पहुंच गए, उज्जैन से गुजरात पहुंच गए। उस भ्रुकुच्छ नगर में पहुंचा, वहां श्रीपाल ने धवल नाम के सेठ को पाया। धवल सेठ, वह अत्यंत धनाढ्य था, बड़ा व्यापारी था। उसके पास में रत्न द्वीपों को जाने वाले 500 विशाल जहाज थे, 500 जहाज, बड़े बड़े जहाज थे। उनके द्वारा वो व्यापार के लिए जाता था। उस दिन, जिस दिन कोटिभट्ट श्रीपाल वहां पहुंचे, उसी दिन उस धवल सेठ के 500 जहाज उदधि मार्ग से व्यापार के लिए चले। यही तो हम बोला आपको कि उज्जैन से गुजरात पहुंच गए वो, आपने क्या सुना? इतने पास बैठ करके नहीं सुना। जहाज प्रारंभ किए पर जहाज अटक गए, कस्से मचती हूं। 500 जहाज रुके हुए हैं, पुण्यहीनों को भला कार्य सिद्धि कहां हो। प्रस्थान शुरू किया लेकिन जहाज अटक गए, अनेक प्रयत्न करने पर भी टस्से मस नहीं हुए। इस आश्चर्यकारी घटना से धवल सेठ और उसके आदमियों के होश हवास उड़ गए। क्या करें क्या नहीं करें, इस प्रकार की चिंता मन में लगी। अर्थात उस जहाज समुद्र में
धवल सेठ के जहाज किलित हो गए, तो ये किसी प्रकार से नहीं चल सके तो उसे परमाश्चर्य हुआ, उसका धैर्य छूट गया, वह आकुल व्याकुल हो गया। उस समय उसने निमित्त ज्ञानी को बुलाया और पूछा कि मेरे जहाज क्यों रुक गए, इनको चलाने का उपाय क्या है। विचार कर निमित्त ज्ञानी ने बताया कि जिस समय कोई वीर सुभट 32 लक्षणों से युक्त यहां आकर अपने हाथ से जहाज छुएगा तभी ये चलेंगे। अकस्मात धवल सेठ के जहाज अटक गए, उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने निमित्त ज्ञानी को बुलाया तो उसने कहा कि जो 32 लक्षण वाला शुभ पुरुष को छुएगा उसके छूने पर ये तुम्हारे जहाज चलेंगे। ये सुनते ही शीघ्र कार्य करने की अभिलाषा से सेठ ने अपने अन्वेषक को चारों ओर भेज दिया कि जाओ ढूंढो कौन है ऐसा पुण्यात्मा। धवल सेठ द्वारा प्रेषित उसके अन्वेषक उसके आदमी यहां वहां चले गए। पूर्ण योग से उस समय ही श्रीपाल कोटिभट्ट ने उस नगर प्रवेश किया था। उसे यह पूरा अद्भुत लगा, शनि शनि व नगर की शोभा विलोकने लगा। वह अपने निर्मल गुणों से शोभायमान था, उसका रूप सुंदर अनुपम था, वह नगर की शोभा देख रहा था और नगर निवासी उसकी रूप राशि निहार रहे थे। इस समय धवल सेठ के सेवकों की दृष्टि उस पर पड़ी, उनके अपलक नयन इसे देखते ही रह गए। उन्होंने इसे 32 लक्षण युक्त समझ लिया, इस प्रकार का व्यक्ति अवश्य कोटिभट्ट श्रेणी होना चाहिए, यही हमारे कार्य के योग्य हो सकता है। मानो जिनको खजाना मिला या अंधे को आंखें प्राप्त हुई, विवेक से उस महान स्वरूप परदेशी के पास जा पहुंचे। अत्यंत सम्मान से उन्होंने पहले उसको बार बार नमस्कार किया। अपने स्वामी के पास चलने का आग्रह किया। श्रीपाल ने सोचा कि यहां अपना तो कोई है नहीं, जान पहचान भी नहीं, अब ये आग्रह कर रहे हैं तो क्यों ना इनके पास चलें। वो तैयार हो गया। वे लोग भी उस सुमनोज्ञ नरोत्तम को लेकर धवल सेठ के पास आए। सेठ भी उस महापुरुष सज्जनाकृति को देखकर प्रसन्न हुआ। अब देखो, धवल सेठ ने उस श्रीपाल का अत्यंत सत्कार किया। पहले सत्कार किया यहाँ पर, ताम्बुलासन सद्वस्त्रे श्रेष्ठि सम्मान संजगौ अहो तुम दृश्यसि कोपि महानतृत महीतले। आदर से उसे बैठने क्योंकि आसन दिया, योग्य सुंदर वस्त्र अलंकार आदि प्रदान कर भोजन कराकर पान सुपारी इलायची लवंग आदि प्रदान किए तथा बोला कि हे मनोज्ञ पुरुषोत्तम, आप भूमंडल पर कोई महापुरुष प्रतीत होते हैं, आप गुणज्ञ और अति सुभग हैं। धवल सेठ ने श्रीपाल का सम्मान किया, भोजन पान कराया और अपने पास में अच्छे आसन पर आरूढ़ किया। फिर उसने बोला कि हे पुरुषोत्तम, मेरे जहाज समुद्र किनारे पर अकस्मात किलित हो गए हैं, रुक गए हैं, अकारण इस घटना से मैं अधीर हूं, कृपया आप मेरे जहाजों को चलाने की कृपा करें। श्रीपाल ने भी विनम्रता से उत्तर दिया कि ठीक है, मैं चलाता हूं। इस प्रकार कहकर स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा सामग्री लेकर पहले श्री जिनालय में गया, मंदिर में गया। पहले अत्यंत भक्ति से श्री जिनराज का अभिषेक किया, पूजन की, दुष्कर्म विनाशक सर्वसिद्धायक पंचप्रविष्टि को नमस्कार कर एकाग्र चित्त से स्तुति की, स्मरण ध्यान किया, पुनः सागर तट पर आया, अटके जहाजों को देखा, पुनः सिद्धों का ध्यान कर नमस्कार किया, नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धों का नाम जपते हुए ध्यान करते नमस्कार किया और स्तुति की और अपने हाथों को ओंकार शब्द के साथ लगाया, नमः सिद्धेभ्यः कहकर के जैसे ही उसने जहाज को हाथ लगाया कि स्पर्श होते ही चारों ओर हूम हूम शब्द गूंज उठा और जहाज चल पड़े। जहाज चल हाथ लगाते आनंद की लहर दौड़ पड़ी। जिन सिद्ध पूजा का चमत्कार प्रत्यक्ष साकार हो उठा। देखो, डायरेक्ट हाथ लगाने नहीं गया वो, पहले उसने अभिषेक किया, पूजन की, भगवान के मंत्र का जाप की, स्तुति की, उसके बाद उसने जहाज को हाथ लगाया तो जहाज
चल पड़े। ये मंत्र की शक्ति है, जिन पूजन की शक्ति है। वस्तुतः जिन भक्ति में अनंत शक्ति है, असाध्य कार्य भी क्षण मात्र में सिद्ध भक्ति से सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध परमिष्टि ही ऐसे हैं नहीं, सिद्ध परमिष्टि ही ऐसे हैं नहीं है असिद्ध जिन्हें कुछ भी वे हैं सिद्ध। मतलब सिद्ध भगवान ऐसे हैं कि उनके लिए कुछ भी असिद्ध नहीं है, ऐसे सिद्ध भगवान है। उनका ध्यान करने वाला भी अपने कार्य में सफल हो जाता है, कोई तो विफल नहीं हो सकता। जिन भक्ति भी विजयदायिनी है, भक्ति यथार्थ हो तो सर्वत्र जय ही जय प्राप्त होती है। ये श्रीपाल कोटिभट्ट ने प्रत्यक्ष करके दिखला दी जिन भक्ति का चमत्कार।